नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है, हमने कैसे गाड़ी के नीचे जो है स्ट्रिप लाइट्स वो लगाई हैं। ये आपको मार्केट से अप्रॉक्सीमेटली 150 से 160-170 रुपए के बीच में मिल जाएंगी। और आपको ये ध्यान रखना है, ये आपको वाटरप्रूफ वाली ही लेनी है। एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है स्ट्रिप लाइट लगाने से पहले, कि हमको जो स्ट्रिप लाइट है वो सामने की तरफ नहीं लगानी है, हमको जो है वो ऊपर वाली तरफ लगानी है। सामने लगाएंगे तो उसकी लाइट की जो क्वालिटी है वो अच्छी तरह से नहीं आ पाएगी। तो चलिए इसको लगाने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको इसके पीछे से जो पेपर है वो उतार देना है, इसके पीछे गम लगी हुई है, पेपर उतार के आपको जो है उसको जस्ट स्टिक ही करना है गाड़ी के साथ। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी जो स्ट्रिप लाइट है वो अच्छी तरह से गाड़ी पे लग चुकी है। इसी तरह से आपको गाड़ी की दूसरी साइड पे भी लगा लेनी है। जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियोस देखी हैं उनको पता है कि मेरी गाड़ी में ऑलरेडी ये स्विचेस का काम हो रखा है, तो जो स्विचेस का प्रोसेस है वो आपको हम नहीं दिखा पाएंगे। माफ करना दोस्तों, जो वायरिंग का प्रोसेस था वो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, क्योंकि जब हम गाड़ी की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो वहाँ पे अंधेरा हो गया था। सो आपको जो वायरिंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि आपने यह स्ट्रिप लाइट लगा ली थी, इसके आगे जो है दो वायर्स आपको मिलेंगी, एक जो होगी रेड कलर की करंट के लिए और एक होगी ब्लैक की जो हमको अर्थ करनी है। अभी जैसे ये एज एन एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि जैसे ये मेरी स्विच की दो वायर्स हैं वहाँ से आ जाएंगी, ठीक है, स्विच वाली। हमको क्या करना है, एक जो स्विच की एक वायर है और एक जो रेड कलर की वायर आपकी स्ट्रिप की होगी उसको आपको कंबाइन कर देना है, ठीक है। और जो दूसरी वायर है स्ट्रिप की उसको आपको गाड़ी में कहीं पे भी अर्थ कर देना है किसी भी स्क्रू के साथ, ताकि जो है गाड़ी में करंट ना आए। और जो इसकी एक वायर बचेगी आपको बैटरी से एक तार लगानी है, बैटरी की एक वायर आपको सीधा जो स्विच की दूसरी वायर है उसके साथ कनेक्ट कर देनी करंट लाने के लिए। इससे क्या है, जो आपके वायरिंग का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और जो स्ट्रिप लाइट है वो वर्किंग करने लग जाएंगी।